हाई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ पूनम राजपूत आई होप यूर आर डूइंग गुड आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मीशो हॉल एंड आज का जो हॉल है बहुत बढ़िया होने वाला है आज की वीडियो में साड़ी आज के हॉल में होगी साड़ी गाउन लहंगा मिक्सअप हॉल होगा सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको सारी ही पार्टी वेयर होंगी एंड बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन होगा तो वन बाई वन करके सभी के रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एंड सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहाँ से जाके ले सकते हो आपको जो भी पसंद आता है एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा पॉच कीजिए जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके बीच में स्किप मत कीजिएगा नहीं तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगी आपसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी एंड बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट करते हैं कि प्राइज़ क्या है प्राइस क्या है तो प्राइज़ मैं वीडियो का जो ऑरिजिनल स्क्रीन लगाती हूँ वो विद प्राइज़ लगाती हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता तो वो समझ लीजिए कि जो स्क्रीनशॉट होता है उसी में नीचे के साइड आपको प्राइस लगा हुआ होता है एंड मिशो से कैसे मंगाना है उनको ये भी नहीं पता तो मैं बता देती हूँ मिशो से आपने जो कोड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा या फिर मैं स्क्रीन पे भी लगा दूँगी यहाँ मैं स्क्रीन पे लगा दिया कर� यहाँ पे वीडियो में तो आप उस कोड को लेंगे एंड उसके सर्च बॉक्स में डालेंगे मीशो के दान आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो देखते हैं अपना फर्स्ट पीस तो फर्स्ट पीस है हमारी साड़ी जो है ब्लैक कलर की आप लोगों को पता होगा मेरी फेवरेट कलर है ब्लैक कलर तो ये साड़ी मेरे जितने भी होल अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे उनमें एक ब्लैक साड़ी जरूर मिली होगी एंड मुझे जब मैंने पूछा था कि ब्लैक कलर किसके फेवरेट है तो बहुत सारे कमेंट आए थे ब्लैक कलर की पिक में बहुत प्यारी थी ओरिजिनल पिक आप यहाँ पे देख सकते हो एंड रिसीव हुई है वो हम देखेंगे किस तरह की है रेड ब्लाउज एंड ब्लैक कलर की साड़ी है एंड बहुत प्यारी है आप देखो इस तरह से कलरफुल जो है धागे के साथ फॉल्स इस पे मिरर लगे हुए हैं फॉल्स मिरर हैं ये एंड कलरफुल धागे के साथ है ब्लैक कलर पे अब देखो बहुत ही प्यारी साड़ी है बहुत ज्यादा प्यारी पूरी साड़ी इस तरह की मिलेगी आपको क्लॉथ है अंदर से अगर मैं बात करूं तो इतनी साड़ी जो है आपको पहले ये जो साड़ी है इतनी साड़ी आपको मिलेगी अंदर जो आती है वो प्लेन बाकी जो प्लेट्स की साड़ी है उस पर इस तरह से नीचे नीचे आपको मिरर वर्क मिलेगा और ऊपर से प्लेन मिलेगी जितने प्लेट तक आती है एंड जहाँ से ये टर्न होती है उस पर पूरी साड़ी पे इस तरह से सिंपल सोवर में बहुत ही स्टाइलिश सा लुक देने वाली साड़ी है आप लोगों को ये और इस तरह की है एंड आप देखो धागे के साथ इस पर फॉल्स मिरर लगे हुए हैं एंड धागा जो है ना कलरफुल लगाया हुआ है बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के रेड येल्लो ऑरेंज ब्लू ग्रीन इस तरह के कलर इसमें लगाए गए हैं तो ये बहुत प्यारा सा जब आप ब्लाउज़ के साथ पहनोगे बहुत प्यारा सा लुक देगी आप देखो हो इस तरह की एंड इस पर टसल्स लगी हुई हैं जो हैं कलरफुल तो ये बहुत ही प्यारी सिंपल सोवर्स से एंड बहुत प्यारी साड़ी है ऑन में हम देख सकते हो कितनी प्यारी लगने वाली है एंड इसके ब्लाउज की हम बात करेंगे ब्लाउज है रेड कलर में फॉल्स मिरर के साथ है बहुत ही प्यारा ब्लाउज है एंड जो ब्लाउज़ के साथ जब ये साड़ी पहनी जाएगी ना मैं आपको श्योरली बोल सकती हूँ बहुत ही प्यारा बहुत डिफरेंट सा लुक देगी बहुत हैवी में नहीं बहुत सिंपल में जो स्टाइलिश लुक देती है उस तरह की साड़ी है ये पूरे ब्लाउज पे आपको इस तरह से वर्क मिल जाएगा ये देखो आप फ्रंट एंड बैक दोनों पर फ्रंट का ये है एंड बैक का ये है अब देखो इस तरह से एंड इसका जो क्लॉथ है ना बहुत प्यारा है हल्की हल्की सी क्लॉथ के अंदर ही लाइनिंग है एंड शाइन वाला क्लॉथ है एंड बहुत सॉफ्ट सा क्लॉथ है तो एंड शाइन वाला क्लॉथ है तो बहुत प्यारा लगेगा स्लीव्स के लिए इधर प्लेन क्लॉथ दिया हुआ है तो बहुत ही प्यारी साड़ी है अगर आपको पसंद आए ना आप ज़रूर लीजिएगा बहुत प्यारी साड़ी है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट है हमारे पास ये लहंगा जो है इस तरह का बहुत ही प्यारा लग रहा था पिक में अभी देखेंगे किस तरह का रिसीव हुआ है ये है हमारा लहंगा सेकंड लहंगा जो है हमारा ये है बहुत ही प्यारा सा लग रहा था पिक में अभी देखेंगे कि रिसीव किस तरह का हुआ है ये है इस तरह का लहंगा ये आप देखिए पूरा लहंगा बहुत ही प्यारा सा लहंगा है से एक ही कलर का है ये इसका ब्लाउज और वो इस तरह के लहंगे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं जो एक ही कलर के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर इसमें नहीं होते तो इस कुछ इस तरह का लहंगा है इस पूरे लहंगे पे ये है जो लहंगा है कलियों वाला लहंगा है एंड इस पे न पूरे पे हैवी वर्क है इसके दुपट्टे पे इसके ब्लाउज पे इसके लहंगे पे बहुत हैवी वर्क का दुपट्टा है धागे की एम्ब्रॉयडरी एंड इसकी पिक आप देखोगे ना ऑरिजिनल पिक में बहुत प्यारा था एंड अगर मैं बात करूं मतलब अभी जो रिसीव हुआ है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है कलियो वाला है एंड पूरे पे धागे की एम्ब्रॉयडरी है आप देखो इस तरह से ऊपर से नीचे तक एंड डिजाइनिंग आप देख सकते हो नीचे तक एंड घेर भी बहुत अच्छा है बहुत ज्यादा अच्छा ऊपर से नीचे तक इस तरह का डिजाइनिंग है एंड बेल्ट भी इसमें प्लेन नहीं दी हुई बेल्ट पे भी आप देखो हैवी एम्ब्रॉयडरी है एंड पूरे लहंगे पे इस तरह का देखो आप पूरे लहंगे पे ट्राई ऑन में बाकी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस तरह का वर्क है आप देखो बहुत प्यारा एंड रियल स्टोन लगे हुए हैं ऊपर से हल्के हल्के ना रियल स्टोन लगे हुए हैं अंदर की मैं बात करूँ अंदर का क्लॉथ है साटन क्लॉथ लगाया हुआ है इस पर और जो ये है ना नेट पे है मतलब ये जो वर्क है वो नेट पे है लेकिन हैवी एम्ब्रॉयडरी की वजह से नेट बहुत कम दिख रहा है तो हैवी एम्ब्रॉयडरी दिख रही है अंदर की अगर मैं बात करूँ तो साटन का क्लॉथ लगाया गया है ऐसे बहुत अच्छा सा क्लॉथ लगाया गया है एंड नीचे की अगर मैं बात करूँ तो केनकेन लगा के दी हुई है इसमें ये देखो आप केनकेन लगा के दी हुई है और डबल इनर लगा हुआ है केन केन की के वजह से तो आपको इसको अलग से इनर पहनने की भी जरूरत नहीं है एंड बहुत सिंपल एंड एलिगेंट लुक देने वाला ना बहुत हैवी वर्क के साथ बहुत ही प्यारा सा लहंगा है एंड बहुत सारे कमेंट मेरे को आते हैं कि ये लहंगा स्टिच होता है कि स्टिच होता है इसमें कुछ नहीं कराना होता आप देखो सिर्फ ये एक साइड से ओपन होता है आपने यहाँ पे रख के इसको ऐसे एक सिलाई लगानी होती है सिर्फ ये वाला जो पोर्सन होता है ना ये इसको आपने यहाँ से स्टिच कराना होता है और कुछ नहीं बाकी आपका ये लहंगा रेडी है आपको सिर्फ़ एक सिलाई यहाँ पे लगानी होती है एंड यहाँ पे इसमें चेन लग जाती है तो इसमें कुछ भी नहीं कराना होता इसको सिम स्टिच बोलते हैं तो लहंगे में कुछ भी नहीं सिर्फ़ एक सिलाई करानी होती है वो इसलिए होती है कि अपने फ़िटिंग के अकॉर्डिंग आप करा सकें तो इस तरह का लहंगा है बहुत प्यारा है एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारा लगा बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ है और ब्लाउज़ की मैं बात करूँ ब्लाउज़ नेट में है इस तरह का एंड हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ है ये है इसका फ्रंट आई थिंक ये यह इसका फ्रंट आप देखो कितनी हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ है स्टोन वर्क है ऊपर से रियर स्टोन का एंड ये है इसका बैक ये बैक पे भी हैवी एम्ब्रॉयडरी है फ्रंट पे भी हैवी एम्ब्रॉयडरी है एंड स्लीव्स के लिए इस तरह का नेट दिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा है बहुत प्यारा एंड इसमें इनर के लिए दिया हुआ है ये क्लॉथ ये देखिए ये इनर के लिए 80 सेंटीमीटर का क्लॉथ दिया हुआ है इससे आप इनर बनवा सकते हो बहुत अच्छे से अब भरते हैं इसके दुपट्टे की तरफ तो दुपट्टा है नेट का एंड नेट का दुपट्टा है लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी है एंड पूरे दुपट्टे पे इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है धागे की एम्ब्रॉयडरी का जो दुपट्टे पे हो रखी है उस तरह से धागे की एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर है तो बहुत ही प्यारा लहंगा है तो ये लहंगा हाईली रिकमेंड है बहुत ही प्यारा है एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारा लगा बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ है एंड इसका कोड जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको पसंद हो कलर ऑप्शन इसमें आई थिंक और भी मिल जाएंगे आपको वैसे मुझे याद नहीं है आप देख लीजिएगा बट बहुत प्यारा लहंगा है हाईली रिकमेंड है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बहुत ही प्यारा था पिक में एंड रियल में भी काफ़ी अच्छा है नेक्स्ट हमारे पास एक गाउन इस तरह की पिक में ये भी बहुत प्यारी थी इसकी स्लीव्स जो है वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी अब देखेंगे कि ये रिसीव किस तरह की हुई है तो ये जो गाउन है कुछ इस तरह की है ये ट्राई ऑन में आपको ज़्यादा क्लियर होगी इस तरह की गाउन है और इस पर है यहाँ पे बस दो पैच लगे हुए हैं एम, एम्ब्रॉयडरी के और यहाँ पे ये बटन्स लगे हुए हैं इसमें बीच में क्लॉथ है इसका सीफोन क्लॉथ में है और इस तरह की गाउन है यहाँ पे ये चोली के साथ अम्ब्रेला में है ये इसका घेर बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा घेर के साथ है ट्राई ऑन में आपको क्लियर हो जाएगी एंड इसकी स्लीव्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये जो स्लीव्स है ना कुछ इस तरह की हैं जो वो बहुत लटकी सी स्लीव्स होती है ना सिर्फ देखो यहाँ पर यहाँ पे ये स्लीव्स जो है अंदर तो इस तरह की दी हुई हैं लेकिन ऊपर से ना ये जो कपड़ा लगा देते हैं जो ना कुछ इस तरह का आप देखो ट्राई ऑन में वैसे आपको क्लियर हो जाएगा लेकिन ये जो कपड़ा ऐसे लटका रहता है ना ऐसे ये बहुत लंबा सा इस तरह से नहीं लटका रहता स्लीवस के साथ उस तरह का कपड़ा है तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है तो इस तरह का कुछ था तो मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था एंड रिसीव हो भी ये बहुत प्यारी रिसीव हुई है तो ये पहनने के बाद ट्राई ऑन में बहुत प्यारी लगने वाली है गाउन इसमें कलर आपको और भी मिल जाएंगे एंड घेर की मैं बात करूँ ना आप अम्ब्रेला में है ये इसका घेर बहुत ज़्यादा है आप देखो यहाँ से एंड प्राइस इसका काफ़ी सही है काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रही है बट लुक बहुत अच्छा देगी मतलब एम्ब्रॉयडरी वगैरह तो बहुत ज़्यादा इस पर हैवी नहीं है लेकिन ये लुक वाइज बहुत प्यारी है बहुत ज़्यादा प्यारी एंड ट्राई ऑन में आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी प्यारी लगेगी ये बहुत ही प्यारी सी गाउन हैंड कलर भी बहुत प्यारा है तो ये भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई क्लॉथ क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड घेर बहुत अच्छा है ट्राई ऑन में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की लग रही है अभी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कम रेंज में एक अच्छी सी गाउन चाहिए तो बहुत प्यारी गाउन है नेक्स्ट पीस हमारे पास अगेन एक साड़ी है जो है इस तरह की बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत ही प्यारी साड़ी है बहुत सॉफ्ट क्लॉथ में सीफोन इसका क्लॉथ है एंड आप देखो कितनी सॉफ्ट है एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्यारा है बहुत ज्यादा प्यारा ये पूरी साड़ी इस तरह की आपको मिल जाएगी सीफोन क्लॉथ एंड क्लॉथ ना बहुत वो होता है ना मतलब आप मुट्ठी में ले सकते हो उस तरह का इसका क्लॉथ है एंड आप देखो इस तरह का पूरी साड़ी पे ना आपको इस तरह से बूटियाँ मिल जाएंगी ये इस तरह की एंड बूटियों के ऊपर ना इस तरह से ये सर्कल में और ये नग नग से लगे हुए हैं इस तरह के गोल्डन कलर के जो होते हैं ना उस तरह के ये वो लगे हुए हैं मोती टाइप के जो वो होते हैं स्टोन उस तरह के रियल स्टोन नहीं लेकिन गोल्डन कलर के जो स्टोन से होते हैं ना मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं वो लगे हुए हैं पूरी साड़ी पे इसी तरह से बूटियाँ हैं ये आप देखो इस तरह से अंदर की साइड इन बूटियों पे सिर्फ नीचे नीचे की साइड में ही लगे हुए हैं स्टोन बाकी सिर्फ इस तरह टाई एंड डाई का वर्क इसको बोलते हैं आई थिंक तो इस तरह से इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया पूरी साड़ी पे इस तरह से बॉर्डर यानी लेस आपको मिल जाएगी जो बहुत प्यारी लग रही है साड़ी पहनने के बाद बहुत प्यारा लुक देगी एंड देखो आप इसको आई थिंक टाई टाई एंड डाई का वर्क बोलते हैं बहुत प्यारी साड़ी लगेगी बहुत ही प्यारी एंड ये ना बहुत कम्फर्टेबल साड़ी है इस साड़ी को पहनने के बाद आपको साड़ी वाला लुक नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सी साड़ी है बहुत ही प्यारी आप देखो मतलब इतना सॉफ्ट सा इसका क्लॉथ है ना लुक वाइज कलर कॉम्बिनेशन आप देखो बहुत बहुत प्यारा है बहुत ही प्यारी सी साड़ी है तो इस तरह की साड़ी है ये आप देखो बहुत प्यारी है बहुत सॉफ्ट सी है एंड मुझे पर्सनली ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई इतनी कंफर्टेबल साड़ी है ना ये कि कोई भी पहन ले आप अंदर से प्लेन मिलेगी आपको ये एंड जो जो प्लेट्स वाला पोर्सन मिलेगा उसमें नीचे नीचे स्टोन है बाकी सारी साड़ी इस तरह की आप देखो ये ये कलर कॉम्बिनेशन आप देखो इसमें कलर आपको और भी मिल जाएंगे सभी के कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं लेकिन ये वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो ये साड़ी हाईली रिकमेंड है अगर आपको पसंद आए ना सॉफ्ट से में कुछ अच्छा सा लुक आपको चाहिए तो बहुत प्यारी साड़ी एंड समर में तो बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी रहेगी ये इसका ब्लाउज कुछ इस तरह का प्लेन प्लेन है येलो कलर का एंड आप देखो कितना तो प्यारा लगेगा कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा तो बहुत ही प्यारी साड़ी है बहुत ज़्यादा ये है इसका ब्लाउज 80 सेंटीमीटर का एंड इतनी लेस लगा के दी हुई है जो आप स्लीव्स पे या बॉर्डर पे लगवा सकते हो और ये है इसका ब्लाउज पीस जो बहुत सॉफ्ट क्लॉथ में सेम क्लॉथ में है तो ये साड़ी भी हाईली रिकमेंड है अगर आपको पसंद आए ना आप जरूर लीजिएगा बहुत ही प्यारी साड़ी है एंड बहुत प्यारी लगेगी पहनने के बाद तो ये था आज का हमारा हॉल सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो भी पसंद हो ज़रूर लीजिएगा बहुत ही अच्छा हॉल है एंड बहुत ही सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं मतलब जितनी भी रिसीव हुई हैं मुझे जो भी चीज़ें थी मतलब सारी ही बहुत पसंद आई हैं आज के हॉल में तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी आप लोगों को पसंद आई अगर पसंद आई है हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो लाइक कर दो आपका कुछ नहीं जाएगा बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वीडियो को आप लाइक करते हो एंड एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिए जब आपका कॉमेंट आता है ना प्यारा सा तो सच में मेरा दिन बन जाता है आपका कॉमेंट पढ़ के इतना अच्छा लगता है ना मुझे कि हाँ मतलब मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी मेहनत मैं करती हूँ लेकिन मेहनत सफ़ल जब हो जाती है जब आपका प्यारा सा कॉमेंट आता है मुझे लगता है कि हाँ मेरी मेहनत करने का जो वो था पर्पज़ वो सफल हो रहा है आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी मेहनत तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हो मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ आज के लिए बस इतना ही तब तक तो के लिए सी यू केयर